हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पी स्टडी तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि रात के आठ बजे से हर दिन ये क्लास आपकी होती है यूपीटेट सीटेट सुपरटेट यानी एक प्रकार से बोलें तो अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आज आपका जो ये चैप्टर होगा जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें कल आप लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया था बेसिक आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे चले फिर शुरू करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्या लिखा गया देखिए कह रहा कि यदि कोई धनराशि तीन वर्षों में बारह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से एक हज़ार अस्सी रुपये हो जाती है तो वो धनराशि बताइए आखिर वो अमाउंट कितना था ये आपको बताना है देखिए बहुत ही सिंपल है आप यहाँ से समझ सकते हैं कैसे करना है सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है मैथ का हमें ये लिखना होता है उसमें दिया क्या है जो दिया गया उसको लिखेंगे और उसके बाद फिर फार्मूले लगा के लगा लेंगे कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं भैया इसका ट्रिक मिल जाए देखो मैथमेटिक्स में ट्रिक मिलती है परसेंटेज का मिलेगा लाभ हानि का मिलेगा इसका भी मिलेगा लेकिन हर सवाल की ट्रिक नहीं होती और दूसरा नंबर पहले हमारा ये उद्देश्य है कि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप ट्रिक कर लोगे ठीक है ट्रिक वाला भी मैं बताऊँगा परेशान नहीं होना ठीक है ट्रिक वाला भी मैं बताऊँगा जितना हो सकता उतना मैं आपको ट्रिक भी दूँगा चलो पहले इसको देखते हैं हाँ चलिए तो देखिए इसमें दिया है समय दिया हमें मिश्रधन दिया है दर दिया है इसमें कोई ट्रिक का काम ही नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो आप बड़े ही प्यार से इसको कर ले जाओगे आराम से तो चलो फटाफट लगा दो मूलधन का फार्मूला चूंकि इसमें मिश्रधन दिया गया है दर और आ, समय का आप गुणा कर दोगे ठीक है ना मिश्रधन दिया गया है तो मिश्रधन को सौ से गुणा करोगे इसका सूत्र होता है मूलधन बराबर क्या होता है पता है मिश्रधन मतलब जो टोटल दिया गया है इसको सौ से गुड़ा करना है किस से सौ से नीचे ध्यान रहे सौ में जोड़ना है क्या जोड़ना है समय और दर को जोड़ना है ये बस इतना ही तो हमें करना था फार्मूले एक दूसरे की सहायता से बनते हैं इनमें जो भी जिनके वैल्यू दी गए रख दो मूलधन ये मूलधन है मिश्रधन हमें दिया है एक हज़ार अस्सी रुपया एक हज़ार अस्सी और गुड़ा सौ नीचे देखो हंड्रेड और प्लस समय समय कितना भैया तीन वर्ष और दर कितना है बारह तो तीन गुड़े बारह कर दो ठीक <coughs> है इतने में कोई समस्या नहीं ना अब क्या करोगे देखो इनको हमें सिंप्लीफाई करना है हल करना है तो हम अगर इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है एक हज़ार अस्सी होगा बच्चा और ये सौ और ये बारह तीन छत्तीस यही होगा ना एक सौ छत्तीस हो जाएगा ऊपर आप इसका गुणा जब कर रहे हो तो दो जीरो इसमें और बढ़ जाएगा तो ये दो जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा एक सौ छत्तीस क्यों भाई यही हो जाएगा ना बाबू यही हो जाएगा इनको आपको भाग करना है कैलकुलेशन करना है और वो अमाउंट बताना है देखिए अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर लेंगे और अगर जल्दी से कर लेंगे तो फिर आपका सवाल का सलूशन भी जल्दी से आ जाएगा आप लोग बता दिए होंगे कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट आ गया देखो इनको जब आप भाग करोगे तो लगभग इतना आएगा लगभग में इतना राशि आएगी ठीक है वैसे तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे तो ऑप्शन से आप आराम से निकाल लोगे मतलब जितना आएगा लगभग में अब ये कैलकुलेशन जिनको फास्ट आता है वही इसको कर पाएंगे तो भाई इसके लिए तो कोई ट्रिक होता नहीं है, है ना तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत ही जल्दी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही प्यार से देखना ईमानदारी से देखना और क्लास को पूरा देखना अगर आप इसे यूट्यूब रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें तथा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्लास को पूरा देखेंगे तो अभी नंबर भी हम आपको देंगे सवाल नंबर दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं देखो भैया क्वेश्चन हम लिखते हैं ये अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है छोटा सा है देखो क्या कह रहा है एक हज़ार रुपये का एक हज़ार रुपये का आ, किस दर से दो वर्ष में साधारण ब्याज दो सौ रुपये हो जाएगा मतलब हमें दिया है क्या क्या दिया है जो जो दिया है हम वही लिखेंगे आप लोग सुन लो ठीक है एक हज़ार रुपये का कह रहा है यानी कि हमें मूलधन दिया है सवाल आप लोग लिख लो एक हज़ार रुपये का एक हज़ार रुपये का किस दर से दो वर्षों में साधारण ब्याज दो सौ रुपये होगा आ, कितना समय दिया है कह रहा है दो वर्षों में समय दिया है दो वर्ष और भाई साहब ये और भी दिए हैं साधारण ब्याज दो सौ रुपये होगा कह रहे हैं यानी ये साधारण ब्याज भी दिए हैं कितना दिए हैं दो सौ रुपया कह रहा है कि किस दर से होगा यानी हमें दर निकालनी है देखो है ना कितना आसान सवाल तो आप समझ ही गए होंगे एक हज़ार रुपये का दो वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से सॉरी oh, हाँ किस दर से साधारण ब्याज दो सौ रुपये होगा चलो इसमें सूत्र लगा लो हमें दर निकालना है चलो फटाफट आप लोग सूत्र लगा लो जो अभी बेसिक में आपने मूलधन वाला लिखा था ना वही फार्मूला लगेगा मिश्रधन वाला और सब मिला करके ठीक है तो चलो लगा दो इसमें साधारण ब्याज बराबर आप जानते हो ना सूत्र क्या होता है मूलधन दर समय वाला तो यहाँ पे आपका जब दर बराबर निकालोगे भैया तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज इसको गुड़ा करोगे किससे सौ से गुड़ा करके और मूलधन और कौन जो दूसरा बच रहा है समय से भाग कर दोगे ठीक है ये ये मूलधन और गुड़ा समय बस यही तो करना है और क्या करना है वही फार्मूला तो शुरू वाला ही स्टार्टिंग वाला ही है इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया बस फटाफट आपको इनमें मान रख देने हैं और इनको निकाल देना है ठीक है चलो साधारण ब्याज दो सौ हो जा रहा है ये सौ मूलधन कितना दिया है मूलधन भाई दिया एक हज़ार रुपया दिया बाबू वन थाउजेंड समय दिया है दो वर्ष तो निकाल दो चलो ये सौ से कट गया ये दस आ गया इनको दस से काट दो पटक दो उठा के दस दून बीस जीरो बीस आ गया इनको दो से काट दो दस आ गए फाइनल में आपका दस परसेंट यानी कि कितना आया भैया कितना आया बाबू दर बराबर जो रेट आया वो टेन परसेंट आया मतलब कि आप समझ गए दस परसेंट कितना दस परसेंट अगर वार्षिक ब्याज दर है तो दो वर्ष में एक हज़ार रुपये में दो सौ रुपये का ब्याज मिल जाएगा और एक बात अभी हम आपको और आगे डीपली पढ़ाएंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने सुना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में मान लो कि सौ रुपया है और बैंक आपको एनुअल थ्री पॉइंट फाइव परसेंट का ब्याज देता है जो सेविंग अकाउंट होता है तो आप ये कहोगे इसका मतलब हमें हर महीना साढ़े तीन रुपया मिलेगा नहीं ये गलत है अगर आप सिर्फ़ एक महीना रखोगे सौ रुपया सिर्फ एक महीना रखोगे तो आपको कितना मिलेगा पता है कितना मिलेगा साढ़े तीन रुपया नहीं मिलेगा आपको बीस से पच्चीस पैसा का लगभग मिलेगा बस वो पूरे साल का हिसाब से काउंट होता है तभी साढ़े तीन परसेंट मिलता है ठीक है कोई प्रकार का अगर इसमें ब्याज देखोगे तो नहीं तो वैसे नहीं मिलता है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखना बिल्कुल पूरा इंड तक देखना क्लास को जाना नहीं कहीं अगला सवाल सुनिए नानी स्टाफ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोलते रहेंगे और भाई का है को यार इसमें फंस जा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोलते रहेंगे और आप लोग क्या करोगे आप लोग लिखोगे और फिर मैं मिटाता रहूँगा ठीक है अगला क्वेश्चन लिखिए अठारह सौ रुपये की धनराशि देखो यहीं से समझ लो आ कह रहा है कि अठारह सौ रुपए की धनराशि मतलब कि मूलधन दिया है अठारह सौ रुपये ठीक है आगे लिखो फिर से लिखो अठारह सौ रुपये की धनराशि पर दो वर्षों का पाँच प्रतिशत ब्याज की दर से एक सौ अस्सी रुपया ब्याज मिला तो मिस्र धन बताइए कितना आसान है ना कितना आसान है बहुत ही सिंपल है कह रहा है अठारह सौ की, की धनराशि पर दो वर्ष में यानी मूलधन अठारह सौ रुपया है समय दो वर्ष है और कह रहा है पाँच प्रतिशत ब्याज की दर से एक सौ का ब्याज मिल रहा है मतलब दर भी दिया है फाइव परसेंट और ब्याज भी दे रहा है एक सौ तो भैया सब कुछ दिया है तब फिर क्या करना है मिश्र धन निकालना है निकाल लो फटाफट फटा। चलो लिखो क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे हाँ लिखो दिया है दिया है का, का दिया भैया लिख लो बाबू जो जो दिया है मूलधन कितना दिया है अट्ठारह सौ रुपये दिया है ब्याज दिया है इसमें कितना दिया है एक सौ अस्सी रुपया दिया है समय दिया है समय कितना कहा था भाई दो वर्ष में हाँ और आगे क्या कह रहा है पाँच प्रतिशत ब्याज की दर से दर दिया है फाइव परसेंट क्यों यही दिया है ना तो क्या करना है सूत्र लगा दो बस वही आ जाएगा चलो फटाफट लगा के मुझे बताओ सभी कर लोगे ना इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं मिश्रधन पूछ रहा है भैया देखो मिश्रधन बहुत ही आसान होता है बाबू ये होता है मिश्रधन मिश्रधन में जो ब्याज मिलती है उसको मूलधन में जोड़ के निकालते हैं तो मूलधन था अट्ठारह रुपया अठारह रुपया इसमें एक 180 रुपया का ब्याज जुड़ जाएगा उन्नीस हो जाएगा मतलब कि टोटल उन्नीस रुपया मिल जाएगा खटाक दे है ना कितना आसान तो इसे जल्दी से लिख लीजिए जिनको लिखना है या फिर स्क्रीन ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बात ध्यान रहे क्वेश्चन पढ़ते समय हम क्वेश्चन मिटाएंगे और तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन लिख लोगे अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई करने वास्तव में तो आप लिख सकते हैं मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता हूँ हाँ चलो लिखो सोलह सौ रुपये का छः परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से सोलह सौ सो रुपये का छः परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से चार वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपये होगा चार वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा एक बात समझ लीजिए कि सी टेट यूपी टेट सुपर टेट के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है तो भैया एस एस सी वाली मैथ नहीं पढ़ना इसमें याद रखना ठीक है ना नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा ठीक है ना आपको लग रहा होगा बहुत आसान आसान सवाल हैं तो इसमें ऐसे ही आते हैं बस आपको सारे कन्सेप्ट आने चाहिए ये बात याद रखना चलो कहाँ कह रहा था सोलह सौ का छः परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से यानी हमें मूलधन दिया है कितना दिया है सोलह सौ रुपये छः परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से मतलब हमें दर दिया है छः परसेंट चार वर्ष का साधारण ब्याज मतलब समय दिया है चार वर्ष कितना होगा पूछ रहा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुड़े दर गुणे समय बटा सौ वाला लगा दो सूत्र हाँ तो लगा दो बच्चा ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुड़े दर गुड़ा समय और बटा सौ ठीक है ये याद रखना मूलधन कितना है भाई सोलह सौ सो रुपया है बाबू दर कितना भैया छः परसेंट है समय कितना है चार वर्ष है और ये सौ काट दो इनको ये दो जीरो दो जीरो कट गया सब ख़त्म हो गया छः चौक चोग, चौबीस हो गया हाँ चौबीस का सोलह से गुड़ा कर दो सोलह चौक चौंसठ सोलह चौका चौंसठ हासिल छः सोलह दोनों बत्तीस छः अड़तीस मतलब कि टोटल तीन सौ चौरासी रुपये का क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा है ना कितने आसान आसान सवाल इसमें कोई किसी प्रकार का झंझट हो तो निसंकोच बता देना देखिए आज हमारी कोशिश होगी कम समय में ज़्यादा सवाल हो जाएं और क्वेश्चन लिखना कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और हम अगर रिकॉर्डिंग भी करते हैं भैया तो बहुत मेहनत करना पड़ता बाबू मतलब मैं क्वेश्चन मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ फिर टाइम लॉस होता है अगर आपके सामने करूंगा तो आपका टाइम जाएगा इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आप लिख लो काम का खत्म चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य राज्य में पूछे गए सवाल हैं जैसे कि आपका यूपी टेट होता है सी टेट होता है एम पी टेट होता है जिसे वर्ग थ्री भी कहते हैं आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं रीट वगैरह राजस्थान में होता है तो ये इस लेवल को जो मतलब एग्जाम होते हैं ना वो एक ही लेवल होता है बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हल्का फुल्का लेवल इनका एक होता है ठीक है ना जैसे पुलिस भर्ती का परीक्षा ले लो तो ऑल इंडिया में एक ही लेवल के मतलब सिलेबस टॉपिक होते हैं थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है बस अब ये नहीं कि पुलिस का सिलेबस एस एस सी से, से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा अंतर आएगा लेकिन हाँ एक एग्ज़ाम लोगे तो इंडिया का कोई भी राज्य हो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है हाँ करंट अफेयर में पूरा अंतर होता है क्योंकि करंट अफेयर उनके लोकल लेवल से ज़्यादा पूछे जाते हैं अगला सवाल देखिए क्वेश्चन uh, कौन सा है क्वेश्चन नंबर चार है पाँच कुछ भी डाल दो यहाँ पे कह रहा कि कितने वर्षों में कितने वर्षों में मतलब आप ये जान लो सबसे पहले इसके मुंह से निकल रहा है कि समय नहीं पता है कितने वर्षों में बारह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से बारह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से तीन हज़ार रुपये का साधारण ब्याज एक हज़ार अस्सी रुपये हो जाएगा तीन हज़ार रुपये का साधारण ब्याज एक हज़ार अस्सी रुपये हो जाएगा ये देखो वार्षिक है इतना वार्षिक है तो हम कुछ लिखेंगे नहीं तीन हजार रुपये का साधारण ब्याज यानी कि बच्चा हमें मूलधन दिया है बाबू तीन हजार रुपया साधारण ब्याज कह रहा है एक सौ अस्सी रुपया हो जाएगा मतलब एक सौ अस्सी दिया गया है है ना इसको चलो जल्दी से अब हम लगाते हैं फार्मूला लगा दो साधारण ब्याज का सिंपल वाला आ जाएगा आपका जल्दी से फटाफट देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ जो बेसिक फंडा होता है वो चीज़ आप देख लो देखो बाबू इसमें बेसिक फंडा में क्या है वो चीज़ यहाँ ध्यान दो आप लोग हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है ना साधारण ब्याज बराबर होता है का होता है वो मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटा सौ ये फार्मूला होता है एकदम बेसिक वाला इसमें अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या करेंगे सारे मान रख देंगे सिर्फ समय को नहीं रखेंगे बाकी एक काम ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पहले ही सूत्र उस रूप का बना लो हाँ पहले ही उस रूप का सूत्र बनाओगे इनका इसमें गुड़ा होगा इसका इसमें गुड़ा होगा तो कुल मिलाकर के हमारा जो समय बराबर आएगा वो क्या बनेगा पता है आपको देखो आपको पता चल जाएगा इनका इनके साथ गुड़ा हो जाएगा बाबू और इनका इनके साथ में हो जाएगा हँ तो मतलब हमें समय निकालना है तो इनका इनके साथ में हो जाएगा हमारे ये सब इधर चले आएँगे और ये बेचारे इधर जाके इनका गुड़ा हो जाएगा साधारण ब्याज कितना है ये साधारण ब्याज लिखो गुड़ा ये सौ ठीक है ध्यान दो क्या फार्मूला बनेगा समझो साधारण ब्याज गुड़े सौ नीचे ये इधर आएंगे सब गुड़ा में रहेंगे फिर उधर जाएंगे तो क्या होंगे सब भाग में हो जाएंगे तो यहाँ पे मूलधन गुड़ा दर हो जाएगा ठीक है ये देखो सूत्र से ही सूत्र पलट गया अब सारे मान रख के आपको मान निकाल लेने हैं चलो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है है ना इधर साइड में जगह नहीं रहेगी तो मैं जगह करके भी दिखा दूंगा चलो सारे मान रख दो फटाफट रख दो भैया रख दो रख दो देर ना करो एक हज़ार अस्सी रुपये दिया था कि एक सौ अस्सी दिया था यार मैंने क्या बोला है एक हज़ार अस्सी रुपये था ना ब्याज इसके लिए सॉरी यहाँ पर मैंने एक हज़ार अस्सी नहीं लिखा है एक सौ अस्सी लिखा है ये ध्यान देना आप सही कर लो एक हज़ार अस्सी रुपया है ठीक है ब्याज कितना है एक हज़ार अस्सी रुपये है भाई अमाउंट भी तो ढेर है ना चलो अब हम लोग इसका ब्याज निकालेंगे समय निकालेंगे सॉरी तो चलो भाई समय निकाल लो बाबू नीचे रख देते हैं मान साधारण ब्याज एक हज़ार अस्सी रुपया बूढ़े सौ नीचे देखो मूलधन मूलधन कितना दिया भाई तीन हज़ार दिया बाबू हाँ दर कितना दिया है आ, दर कह रहा है बारह परसेंट अब ऊपर इनका कैलकुलेशन करेंगे सिम्पलीफ़िकेशन ऊपर साइड में हम लोग लेके चलेंगे इनको पटक पटक के मारेंगे ऊपर देखो कैसे क्या होगा समझो यहाँ से दो जीरो से नीचे दो जीरो काट सकते हो अभी ही देखो इसमें एक जीरो और बच रहा है इसको भी आप काट सकते हो बहुत ही सिंपल था काटना तो यार बारह से कट जाएगा बारह एक कम बारह बारह नवैया एक सौ आठ और ये तीन तरीका नौ अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं बाबू तीन परसेंट आ गया कितना आ गया थ्री परसेंट है ना ओ सॉरी थ्री परसेंट कहाँ से यार मैंने लिख दिया ये तो मिस्टेक है यहाँ पे समय निकालना था ना हाँ समय निकालना था तो तीन वर्ष हो जाएगा इसमें परसेंट का कोई मतलब नहीं है जो चीज़ निकालना था उसी अकॉर्डिंग लिखोगे यानी कि तीन वर्ष में कितने वर्ष में तीन वर्ष में तीन, तीन हज़ार रुपये का बारह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज होगा वो तीन वर्ष में एक हज़ार अस्सी रुपया होगा कितने में तीन वर्ष में एक हज़ार अस्सी रुपये होगा ये आपका पांच क्वेश्चन हो गया इतनी जल्दी आप देख रहे होंगे दस मिनट में पांच क्वेश्चन हो रहे हैं इससे और भी फास्ट हो सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो बहुत ही प्यार से सुनो क्या कह रहा है कह रहा है कि पाँच का कितने का पाँच का छः महीने का पाँच का छ महीने का आठ की छमाही ब्याज दर से आठ परसेंट की छमाही ब्याज दर से छमाही दर से ब्याज कितना होगा बहुत ही सिंपल है भैया चलो देखो ऊपर साइड में कर देता हूँ कह रहा कि पाँच सौ रुपये का इधर साइड आपको क्लियर विजिबल है ना कोई दिक्कत नहीं है पाँच सौ रुपये का छः महीने का आठ परसेंट की छमाही ब्याज दर से ब्याज कितना होगा देखो भैया हमें सिंपल सा इसमें मूलधन दिया जहाँ तक समझ में आ रहा बाबू कह रहा कि पाँच सौ रुपये का यानी कि हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया कितना दिया है फाइव हंड्रेड दिया है ना तो चलो फाइव हंड्रेड लिख लो आ भाई गिरो नहीं यार मूलधन कितना है पाँच सौ रुपये है कह रहा कि छः महीने का आठ परसेंट की दर से मतलब हमें समय दिया भैया कितना दिया है छः माह दिया है अब मुझे आप ये बताओ कि छः माह में कितना आपका वो होगा क्या बोलते हैं छ महीने में आ, कितना समय होगा बताओ छः महीने में मतलब कितना समय होगा वर्ष कितना होगा देखो यहाँ पे एक चीज़ है एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ब्याज दिया है वो भी आठ परसेंट की छमाही ब्याज दर है क्या है आठ परसेंट की छमाही ब्याज दर है और समय भी छः महीना दिया है क्यों समय छः महीना नहीं दिया यार छः महीना हाँ छः महीने का छः परसेंट ब्याज की छमाही दर से तो ये बताओ छः माह में कितना छमाही बताओ चलो बताओ छः माह में कितना छमाही तो भाई सिंपल सी बात है छः माह बराबर एक छमाही एक छमाही होगा ना यानी हमारा जो समय होगा वो सिर्फ़ एक होगा ओनली वन रखेंगे क्यों क्योंकि हमारी जो ब्याज की दर है वो छमाही दी गई है अगर वो वार्षिक दी गई होती वार्षिक दी गई होती और आपको ये छः माह का निकालने को बोलता तो फिर आप उसे वर्ष में चेंज करते मतलब एक बटा दो रखते समय की जगह पे ठीक है चलो तो बच्चा मूलधन दिया है समय दिया है समय दिया छमाही में ठीक है जो भी है आगे हमें क्या कह रहा है कह रहा है आठ परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से तो सिंपल में है भाई दर बराबर कितना है आठ परसेंट है पूछ कह रहा है ब्याज पूछ रहा है तो चलो बाबू ब्याज निकाल लो ब्याज निकाल लो वही सूत्र लगा दो सिंपल वाला मूलधन गुड़े दर गुड़े समय ठीक है मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटा सौ तो ये लो निकाल लो मूलधन अब मैं फार्मूला काहे को लिखूँ मूलधन गुड़े दर दर है आठ परसेंट समय है एक छमाही ही बटा सौ ये निकाल लो पाँच अठे चालीस परसेंट ब्याज दर पूछ रहा था हाँ भैया ये ब्याज तो पूछ रहा नहीं ब्याज पूछ रहा था चालीस रुपया होगा कितना चालीस रुपया क्योंकि ब्याज जो है परसेंट में तो आएगी नहीं रुपये में आएगी तो ब्याज कितना होगी चालीस रुपया होगी क्योंकि दर तो पहले से दिया गया है इसका रेट दिया गया है कितना आठ परसेंट है ना तो लिख लीजिए इसको हो गया ये क्वेश्चन उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कर डालिए नीचे का कुछ नहीं था नीचे मैंने मिटा दिया था अगर आप ध्यान से देखें तो ये पुराना क्वेश्चन है ठीक है ना भैया जो लिख रहे हैं बाबू ध्यान देना गलती नहीं करना ये पुराना क्वेश्चन है हाँ जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर जगह करके लगा दिया था नया वाला चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे आप लोग फटाफट क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए बहुत ही प्यार से समझिए बहुत सारे क्वेश्चन हमें करवाने हैं इनमें से ठीक है तो जो भी आ, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उनमें से हैं ये चलो जल्दी अगला लिखो अगला लिखो 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 फटाफट लिखो, फटा, फट लिखो। आ, कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना था सारे तो कराने नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं अगला लिखो पहले हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे लिखो चार हज़ार रुपये का दस परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से चार हज़ार रुपये का दस परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कितने वर्ष का दो वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए देखिए अब यहाँ पे मतलब समझना थोड़े बहुत अंतर होंगे इनमें सब में ठीक है थोड़े बहुत अंतर होंगे आपको एक तरह के क्वेश्चन आने लगें तो मैं अलग तरह का बताऊँगा टेंशन नहीं लेना आप ठीक है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चलो हाँ क्वेश्चन नंबर आज का छः सात आठ जो भी है डाल दीजिए लिखिए करा कि चार हज़ार रुपये का यानी कि हमें मूलधन दिया बाबू कितना दिया है मूलधन चार हज़ार दिया है कह रहा कि दस परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से मतलब हमें रेट दिया है कितना टेन परसेंट दिया है दो वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है मतलब कि हमें समय भी दिया है कितना टू वर्ष दिया है तो भैया चलो निकाल लो बहुत ही आराम से निकाल सकते हो आप प्यार से कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें निकाल सकते हो ना मूलधन दर समय दिया गया है निकाल लो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन को गुड़ा कर दो गुड़े दर दस परसेंट गुड़े समय समय दो वर्ष बटा सौ दो जीरो काट दो तो ये कितना हो जाएंगे दो से गुड़ा होगा आठ यानी कि डबल जीरो आठ सौ रुपया कितना हो जाएंगे भैया आठ सौ रुपये हो जाएंगे बाबू कितने हो जाएंगे आठ सौ रुपये इनको लिख लो आप लोग अगर कहीं कोई डाउट है तो निसंकोच आप पूछ सकते हो कमेंट करके ठीक है तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना एक भी पैसे का आपको टेंशन नहीं लेना है चलो अगला क्वेश्चन करवा देते हैं इसी में बिना रुके हुए चलो जल्दी करो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ठीक है सुनिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए नहीं समझ में आएगा बता देना लिखो यदि एक महाजन यदि एक महाजन साधारण ब्याज पाँच परसेंट की दर से देखो साधारण ब्याज दिया है ध्यान देना पाँच परसेंट मिल गया यदि एक महाजन साधारण ब्याज पाँच परसेंट की दर से की दर से दर से पंद्रह सौ रुपये चार वर्ष के लिए ब्याज में देता है कितना देता है पंद्रह सौ रुपये चार वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो चार वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा चार वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा लिखो पहले दिया है का का दिया बाबू यहाँ पे यहाँ पे दिया है मूलधन मूलधन कितना दिया है पंद्रह सौ रुपया कहने रहा कि पंद्रह सौ रुपये का चार वर्ष के लिए यानी हमें समय दिया है कितना चार वर्ष दिया है चार वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा इसमें दर भी दिया है कितना दिया है पाँच परसेंट दिया है कोई बहुत बड़ी बात नहीं बहुत ही अच्छा है चलो और का दिया इसमें समय दिया है ठीक है दर दिया है ठीक है मूलधन दिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्याज निकाल लेंगे इधर साइड से मैं करूँगा इधर साइड थोड़ा ध्यान देना और फिर आगे बढ़ना चूँकि सवाल में पूछ रहा प्रतिशत लाभ तो पहले आप लाभ निकाल लोगे फिर प्रतिशत बाद में निकालोगे ठीक है तो लाभ कैसे निकालोगे जितना ब्याज मिलेगा वही लाभ होगा तो भैया हमें क्या करना है मतलब साधारण ब्याज निकालना है हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर हमें पता है मूलधन गुड़े दर मूलधन का मान पंद्रह सौ दर पाँच गुड़े समय होता है बटा सौ यही क्या होता है इसका यही पूरा फंडा होता है है ना अगर कोई सवाल है तो आप निसंकोच बता देना चलो फटाफट यही होता है कि नहीं होता पहले मुझे बताओ इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है किसी को बता देना चलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है फटाफट यहाँ से मान निकाल लो ब्याज निकाल लो आप तो इनके दो जीरो कट जाएंगे तो पाँच चौक बीस और पंद्रह दुना तीस यानी उसको ब्याज कितना मिलेगा तीन सौ रुपये मिलेगा भाई सिंपल सी बात है जितना ब्याज मिलेगा भाई उसको लाभ मिलेगा एक बार फिर से सुन लो कह रहा कि यदि एक महाजन पाँच परसेंट साधारण ब्याज की दर से या फिर आप ऐसे लिखे होंगे साधारण ब्याज पाँच परसेंट की दर से पंद्रह सौ रुपये चार वर्ष के लिए पंद्रह सौ रुपये चार वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो चार वर्ष बाद उसे कितना लाभ होगा मतलब कितनी ब्याज मिलेगी ये इतना हो गया अब मैं आपको बता दूँ यहाँ परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुड़े क्रय मूल्य बटा सौ ठीक है तो क्या होगा बाबू ये लाभ गुड़े क्रय मूल्य क्रय मूल्य पता है क्या होता है लाभ गुणे सौ होता है बटा क्रय मूल्य क्रय मूल्य मतलब जितनी लागत पहले थी शुरू शुरू में तो ये क्रय मूल्य मतलब जिसे बोलते हैं कास्ट प्राइस तो यहाँ पे कोई क्रय मूल्य तो है नहीं कोई चीज़ खरीदा बेचा तो जा नहीं रहा है लेकिन हाँ मूलधन दिया है क्रय मूल्य का मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था मतलब पहले डिपॉजिट किया था तो कितना है भाई लाभ कितना है तीन सौ रुपये है, है बाबू सौ है और क्रय मूल्य कितना है टोटल अमाउंट कितना है पंद्रह सौ रुपये है दो जीरो से दो जीरो काट दो पंद्रह से काट दो पंद्रह दो न तीस बराबर बीस मतलब कि उसको ट्वेंटी परसेंटेज का क्या होगा लाभ भी होगा है ना तो चलो इसको भी लिख लो बहुत ही आसान है सिंपल सा हो चुका है अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ बहुत जल्दी करो हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना बहुत ही ध्यान से सुनना है तो थोड़ा आसान सा लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है चलो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है आठ आज, आज का क्वेश्चन हो जाएंगे यदि कोई राशि पाँच परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यदि कोई राशि पाँच परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से छः वर्ष में छब्बीस सौ रुपये हो जाती है छः वर्ष में छब्बीस सौ रुपये हो जाती है तो तो वह राशि कितना हो सकती है ऑप्शन है अठारह सौ रुपये बारह सौ रुपये पंद्रह सौ बाईस सौ अट्ठाईस सौ चलो बहुत ही सिंपल है जो भी कह रहा है वो चीज़ें हम लोग लिख देंगे यदि कोई राशि पाँच परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से यानी हमें मूलधन नहीं पता है कोई राशि मतलब मान लेते हैं कि एक सौ रुपया ठीक है ये चीज़ आप मान लोगे चूँकि हमें मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है उसके बाद क्या कह रहा है ध्यान देना कह रहा है कि इतना ब्याज की दर से और और क्या कह रहा है भाई दर भी दिया है बाबू दर मतलब पाँच परसेंट छः वर्ष में छः वर्ष में मतलब समय दिया है छः वर्ष और राशि छब्बीस सौ रुपये हो जा रही है यानी कि हमें हाँ और क्या दिया है मिश्रधन दिया है क्या दिया बच्चा मिश्रधन दिया है छब्बीस सौ रुपया हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे पूछ का रहा है कह रहा वो राशि ज्ञात कीजिए तो हमारे पास सूत्र है साधारण ब्याज का है ना तो पहले हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे मान लो कि अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है या मतलब ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे हम ब्याज के लिए हम मिस्र धन माइनस मूलधन करते हैं तो भैया मिस्र धन छब्बीस सौ है बाबू मूलधन एक है यानी हमें ब्याज भी मिल गया और सूत्र हम वही लगाएंगे सिंपल वाला कौन सा ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा सौ सभी के मान आप रख दोगे जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं मूलधन दिया गया भैया कितना एक रुपया दर दी गई है कितना परसेंट की पाँच परसेंट समय दिया गया बाबू छः वर्ष और ये नीचे क्या है सौ ठीक है हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है छब्बीस सौ माइनस एक ये साधारण ब्याज भी दिया गया है हाँ ठीक है इनके क्रास मल्टीपल करोगे या तिरछा गुड़ा कर लो सबके जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा चलो जल्दी करो इनको कर लोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देखिए अब हमारे पास बहुत कम टाइम है इसलिए इसको हम थोड़ा बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है टेंशन नहीं लेना सौ का इसमें गुड़ा करोगे बाबू छब्बीस सौ में करोगे सौ का गुड़ा तो आपको पता है ये छब्बीस सौ तो ऐसे हो जाएगा और प्लस इसमें दो जीरो है ना पहले से तो दो जीरो और बढ़ जाएगा चार जीरो हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा सौ एक्स और इधर साइड का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये आपका सब गुड़ा हो जाएगा तो पाँच छीस मतलब कि फाइनल में तीस एक्स हो जाएगा ठीक है इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है अब यहाँ से आप क्या करोगे एक्स का मान निकालोगे ये माइनस का सौ इधर से आएगा माइनस का तीस एक्स इधर जाएगा भैया ये छब्बीस सौ और डबल जीरो लगा दोगे अगर इनको हम आपको पढ़ाएं तो क्या पढ़ेंगे देखो ध्यान दो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख दुई लाख साठ हज़ार क्या दो लाख साठ हज़ार इनको घटाओगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा और हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है ये बताओ यहाँ से ऐसे कैसे हो रहा है जरा देखो ध्यान से ये कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता है देखो इसका रीज़न ये है ये तीस इधर आया माइनस में हो गया ठीक है ये उधर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो फाइनल में आप ये का मान निकालोगे देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में एक सौ तीस एक बराबर माइनस में दो लाख साठ हज़ार यहाँ से एक का मान निकालोगे भाई साहब बहुत ही सिंपल है एक का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लोगे ये दो लाख साठ हज़ार मतलब चार जीरो जो है उसको एक सौ तीस से भाग करोगे एक ज़ीरो कम हो जाएगा तेरह से कटेगा तेरह दूना छब्बीस और तीन ज़ीरो लग जाएगा मतलब कि वो साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा बाबू दुई हज़ार रुपये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे दो हज़ार रुपये तो इस तरह से आपने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए आप अपने विचारों को कमेंट करके बताना कि आप क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं अगर नहीं तो बताना हम ट्राई करेंगे कुछ और अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत आपको धन्यवाद दिल से और हाँ इस क्लास को अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों में शेयर जरूर करें और रेगुलर क्लास देखें जिससे कि आप पढ़ पाएँ पी बी आर स्टडी या प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जिससे कि आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाए जल्दी से जल्दी मिल जाए देखिए नंबर नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे जो भी हैं इस नंबर पे आप हमें सेवन एट फोर थ्री एट थ्री टू त्रिपल नाइन इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं सेवन एट फोर थ्री एट थ्री टू त्रिपल नाइन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जय हिंद